हेलो दोस्तों, अगर आप लेजर आई सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि लेजर सर्जरी कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, किस सर्जरी में कितने परसेंट रिस्क रहता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी सर्जरी ज़्यादा बेटर हो सकती है, ज़्यादा सेफ हो सकती है और किस सर्जरी की कितनी कॉस्ट चली हुई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेट्स बिगिन। 6 नंबर पर है हमारा स्टैंडर्ड लेसिक, जो 20 साल पुरानी टेक्निक है, जिसमें कॉर्निया को फ्लैट किया जाता था, जिसकी कीमत 29,000 रुपये है और इसमें हेलोगन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो आज के टाइम में यह काफ़ी पुरानी टेक्निक हो चुकी है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 5 नंबर पर है हमारा एस्फेरिक लेसिक, या सेम स्टैंडर्ड लेसिक की तरह है, लेकिन इसमें हेलोगन की प्रॉब्लम है, जो स्टैंडर्ड लेसिक में बहुत ज़्यादा होती थी वो इसमें कम हो गई थी। इसकी कीमत है जो 39,000 रुपये है। 4th नंबर पर है हमारा SBK मिनिमम स्टैंडर्ड, यह थिन फ्लैप लेसिक होती है, जिसमें कॉर्निया का टिश्यू है 110 माइक्रोन रिमूव किया जाता है। इसकी करंट कॉस्ट है जो 49,000 रुपये चली हुई है। 3rd नंबर पर है हमारा SBK कस्टम IQ, इसमें कंट्रास्ट लेवल जो काफ़ी बेटर होता है और इसकी कीमत है जो 69,000 रुपये है। 2nd नंबर पर है हमारा ब्लेडलेस फेमटो, यह लेजर की काफ़ी अच्छी टेक्निक है, काफ़ी बेटर टेक्निक है। मैंने यही फेमटो, जिसको आई लेसी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने यही लेजर करवाया हुआ है। मेरी लेजर को 7 साल हो चुके हैं और मेरा विजन अभी तक 6x6 बना हुआ है और इसकी करंट कॉस्ट है जो 89,000 रुपये है। 1st नंबर पर है हमारा कंटोरा विजन, यह लेटेस्ट एवं एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि काफ़ी सेफ है। इसमें रिस्क बिल्कुल नए के बराबर होता है। जी हाँ, इसके अलावा जो इसकी करंट कॉस्ट है वो लगभग 1,00,000 रुपए चली हुई है। कंटोरा विजन में कॉर्निया की सरफेस को 20,000 से भी ज़्यादा डेटा पॉइंटों से नापा जाता है और उसको स्मूथ कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी बेटर विजन क्वालिटी हो जाती है। मेरा ओपिनियन ये है कि आप ब्लेडलेस फेमटो करवा लीजिए या कंटोरा विजन करवा लीजिए, लेकिन किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लीजिएगा। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।